गाया है, आज उतना अच्छा नहीं हुआ, मेरा गला उतना साथ नहीं दिया आज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ वो टेम्पल, जिस टेम्पल में पूजा देके मेरा बेबी ऋषि का जो कंसीव है वो हुआ था। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है एंड जैसे कि देख सकते हो मैं रेडी हूँ, क्योंकि आज है घर पे सत्संग, और सत्संग का ऑलरेडी उससे पहले था भगवद गीता पाठ, जो हमारे एक दीदी थी जो वो दीदी ने पाठ किया है, मैंने उसका बीरोल लेना मैं भूल गई, तो अभी सत्संग होगा तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, ऋषि को भी रेडी किया है और सब रेडी है, नीचे ऑलरेडी शुरू होने वाला है। सो गाइस लेट्स गो एंड एंजॉय। पैकेट बना दिया, पैकेट उधर उधर तक छोड़ी हुई है। ओ क्या Oh,
अभी भी सत्संग चल रहा है, बीच में ये सो गया था ऋषि, तो इसलिए इसको सुला दिया था। अभी फिर से उठ गया है, फिर भी ये थोड़ा नींद में है। और बाहर इतना ये सब गाना वाना हो रहा है, मैंने भी गाया है, आज उतना अच्छा नहीं हुआ, मेरा गला उतना साथ नहीं दिया आज। और हाँ, मतलब हो रहा है फंक्शन, ये सब सब कुछ सत्संग हो रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी मैं थोड़ा, इतनी गर्मी है इधर, इतनी गर्मी, बहुत मुश्किल है भाई गर्मी में। की हच्चे दे পাঁচ মাস পূর্ণ হয়েছে, ছ মাসে পড়বে, পাঁচ প্লাস সাড়ে পাঁচ। करो मेरे साथ তোমার কাছে তোমার বন্দনা
आई होप अब तक आपने जो भी सत्संग का वीडियो देखा होगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वो जो दिन था सत्संग का दिन बहुत ही स्पेशल था, हम सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से सत्संग किया, पूजा किया, गाना किया, मैंने गाया है, मेरे पापा ने गाया है, मेरे मदर इन लॉ ने, लास्ट में जो आपने देखा था क्लिप वो मेरे मदर इन लॉ ने गाई थी, उन्होंने एक गाना प्रिपेयर किया था, उनको बहुत शौक था कि एक गाना वो अपने घर का सत्संग में गाएंगे, तो उन्होंने भी गाया है। फिर लास्ट में हम सब ने थोड़ा सा प्रेयर किया है, सब ने थोड़ा सा यू नो डिस्कशन किया है अबाउट दिस, हमारा जो सत्यानुसरण होता है ये सब हमने डिस्कस किया है और बहुत ही अच्छा रहा है। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट फैशन एंड ज्वेलरी, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, वी आर सो एक्साइटेड। मैं तो इधर कोलकाता आई हूँ तो इधर से मैं बहुत कुछ लेके जाने वाली हूँ, स्पेशली साड़ीज एंड कुछ सलवार्स, क्योंकि बेंगलोर पे ना सलवार साड़ी बहुत महंगा मिलता है, जो कोलकाता में मिलता है वो तो बेंगलोर में बहुत महंगा मिलता है। बाय द टाइम मैंने सोचा है कि थोड़ा कुछ फैशन ज्वेलरी भी मैं ऑर्डर करूँ, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ फैशन ज्वेलरी, क्योंकि घर के फंक्शन में तो मैं गोल्ड ज्वेलरी पहनती हूँ, लेकिन जब दुर्गा पूजा में मैं बैंगलोर में रहूँगी तब तो मैं यूज़ करूँगी फैशन ज्वेलरी मैचिंग। तो मैंने कुछ ऑर्डर किया है वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये देखो, दिस पेयर ऑफ ईयर रिंग्स बहुत सुंदर है। ये जो सारा ज्वेलरीज मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये है फ्रॉम द ब्रांड यूबेला। तो उधर एक्चुअली इसका जो यूबेला ब्रांड का जो ज्वेलरी है मैं बहुत सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका क्वालिटी देखो, फिनिशिंग देखो कितना सुंदर है, तो इसलिए मैं इसी का बहुत सारी ज्वेलरी परचेज करती हूँ। सो दिस इज़ नंबर वन, बहुत अच्छा लगेगा गॉर्जियस ड्रेसेस के साथ। एंड इसके साथ मैंने ना कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी लिया है, जैसे कि दिस वन, ये एक नेक पीस है, आप देख सकते हो ऐसे पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, प्रॉपर साउथ इंडियन काइंड ऑफ नेक पीस। और इसके साथ जो ईयर रिंग्स है वो ऐसा है, बहुत सुंदर है देखो। मैं सोच रही हूँ कि ये जो फंक्शंस चल रहा है ना उनमें से एक दिन मैं ये पहन लूँगी इसके साथ, वाओ बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ अ सेट, ये जो नेक पीस और इसके साथ ये ईयर रिंग्स। और इसके साथ मैंने अलग से ख़रीदा है, मैचिंग तो मैचिंग हो रहा है लेकिन मैंने अलग से ख़रीदा है ये बैंगल्स, क्योंकि ये और ये ना देखो बहुत मैच होता है, तो इसके साथ पहनने के लिए दिस बैंगल्स बहुत सुंदर है। ये भी यूबेला का ही है और मेरे हाथ में भी फिट आता है, और देखो पहनने के बाद कितना सुंदर लगता है। मेरे पास है एक और पेयर ऑफ बैंगल्स जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छा जाता है, वो है दिस वन, ये वाला, ये मुझे बहुत पसंद है। और एक्चुअली हम बंगाली में इसको चूर बोलते हैं, मेरे पास है गोल्ड का डिफरेंट टाइप, लेकिन ये मोती के साथ है ना ये बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे हाथ में ऐसे तो नहीं जाएगा, इसमें ऐसा लॉक सिस्टम है। और उसके बाद है मेरे पास दिस वन, ये है पूरा पेयर, और ये वाला जो ज्वेलरी पेयर है मुझे मतलब बहुत पसंद है, आप देख ही सकते हो ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ है, तो इंडो वेस्टर्न लुक अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इसके साथ आप देख सकते हो नेक पीस है, उसके साथ ईयर रिंग भी है और साथ ही साथ बैंगल भी है और ईयर रिंग भी है, मतलब ईयर रिंग, फिंगर रिंग एंड बैंगल पूरा सेट है। तो मैं थोड़ा ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखो ये काफ़ी भारी है भाई, वाओ। ब्लैक कलर का अगर कुछ ड्रेस हो ना, ब्लैक एंड ये गोल्ड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैंने लिया है दिस सेट, ये वाला, ऐसे जो चेन्स होते हैं ना सेट ऑफ, देखो 1 2 3 4 फोर का सेट है एक साथ, ये बहुत ट्रेंडी लगता है और यू नो वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, इवन इंडियन आउटफिट में अगर इंडो वेस्टर्न करोगे तो वो भी अच्छा लगता है। सो या दिस इज़ द नेक पीस,
नीचे आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप डीप नेक कुछ पहन रहे हो ना तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। सो या दिस इज अनादर नेक पीस जो मैंने लिया है। एंड या ये सब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। दे आर वेरी अफोर्डेबल, वेरी वेरी गुड क्वालिटी। और या फेस्टिव सीजन में मैं हर एक वीडियो जो मेरा व्लॉग आएगा ना उसमें कुछ कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फेस्टिव सीजन के लिए मैं क्या क्या ले रही हूँ, स्पेशली ज्वेलरी या तो फिर टॉप्स या फिर ड्रेसेस। एक दो मिनट का कुछ वीडियो रिव्यू वीडियो मैं शेयर करूंगी। तो अभी फिलहाल मेरा जो ज्वेलरी का रिव्यू है, सारा मैंने यूवेला ब्रांड का लिया है एंड सारे बहुत अच्छा क्वालिटी का है, तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो, मेरे तरफ से थम्स अप है। एंड या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है ये सत्संग वीडियो। हमारे पूरे फैमिली ने बहुत मन से ये सत्संग दिया है एंड सब ने बहुत इंजॉय किया है। आई होप आप लोगों को भी देख के बहुत इंजॉय हुआ होगा। एंड या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी माई नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ वो टेम्पल, जिस टेम्पल में पूजा दे के मेरा बेबी ऋषि का जो कंसीव है वो हुआ था।